हेलो निस्के डिजाइनर में आप सभी का स्वागत है। आप जो स्क्रीन पे सादा ब्लाउज देख रहे हैं फ्रेंड्स, उसी का हम आपको कटिंग बताएंगे। चलिए हम शुरू करते हैं। कपड़े को इस तरह से फैला लेना है फ्रेंड्स। कपड़े को दो फोल्ड में रख लेना है। आप अपने हिसाब से अपने अनुसार रख सकते हैं फ्रेंड्स, इस तरह से आप देख लीजिए। ब्लाउज का लंबाई है 15 इंच, ब्लाउज का चौड़ाई है 10 इंच, नीचे की तरफ से भी 10 इंच पे निशान लगा लेना है फ्रेंड्स। अब हमें शोल्डर रख लेना है फ्रेंड्स 6 इंच पे, इस पे निशान लगा लेना है फ्रेंड्स, निशान को मिला लेना है। आर्मोल रख लेना है फ्रेंड्स 6 इंच पे, यहाँ पे भी निशान लगा लेना है फ्रेंड्स, 1 इंच पे निशान लगा लेना है फ्रेंड्स। इसे हम गोलाई में बना लेंगे इस तरह से। अब हम गले पे 2.5 इंच पे निशान लगा रहे हैं फ्रेंड्स, आप अपने अनुसार रख सकते हैं 2.5 या 3। अब हमें नीचे की तरफ से गला रख लेना है 10 इंच पे फ्रेंड्स, ऊपर से 2.5 इंच, नीचे से 3 इंच फ्रेंड्स। इस तरह से हमें चौकोर बॉक्स एक्स बना लेना है फ्रेंड्स, बीच में 1 इंची का निशान लगा लेना है फ्रेंड्स। अभी आपको बहुत ही सिंपल गोल गला पे बता रहे हैं फ्रेंड्स कटिंग, इस तरह से आप देख लीजिए। आपको सिंपल ब्लाउज कटिंग करने आ जाएगा तो फ्रेंड्स डिजाइन वाला आ जाएगा अच्छी तरीके से, इस तरह से कटिंग कर लेना है फ्रेंड्स। कटिंग हो चुका है फ्रेंड्स, अब गले पे कटिंग कर लेना है। इस तरह से कटिंग हो चुका है पीछे का साइड फ्रेंड्स, इस तरह से देख लीजिए। अब कपड़े को दो फोल्ड में रख लेना है फ्रेंड्स, और दो फोल्ड को एक और फोल्ड लगा लेना है, टोटल 4 फोल्ड हो गया है, इस तरह से देख लीजिए। अब बाजू का लंबाई है 6 इंच और 4 फोल्ड में रख लेना है फ्रेंड्स, इसे देख लीजिए आप, यहाँ पर निशान लगा लेना है। आगे की तरफ का 6 इंच बाजू का और पीछे की तरफ का 4 इंच फ्रेंड्स, इस तरह से हमें निशान लगा लेना है। बाजू के लिए निशान लग चुका है फ्रेंड्स, इसे कटिंग कर लेना है। इस तरह कपड़े को कटिंग करके निकाल देना है फ्रेंड्स, बीच में कट लगा लेना है हल्का से, इस तरह से बाजू को कटिंग करके निकाल लेंगे अलग अलग फ्रेंड्स, इस तरह से देख लीजिए। दोनों बाजू कंप्लीट हो चुका है। अब कपड़े को दो फोल्ड में रख लेना है। अब हम गले पे निशान लगा रहे हैं फ्रेंड्स 2.5 इंच पे, आप अपने अनुसार रख सकते हैं। अब नीचे की तरफ से गला रख लेना है 6 साढ़े 6 इंच पे, इस तरह से निशान लगा लेना है फ्रेंड्स, 2.5 इंच पे ऊपर, 2.5 इंच पे नीचे, इस तरह से मिला लेना है। निशान लग चुका है फ्रेंड्स, बीच में 1 इंची का निशान लगा लेना है, इसे हम गोलाई में बना लेंगे फ्रेंड्स। इस तरह से निशान लग चुका है फ्रेंड्स। अब शोल्डर रख लेना है 3.5 इंच पे निशान लगा लेना है, आर्मोल रख लेना है 6 इंच पे, इस तरह से निशान लगा लेना है फ्रेंड्स, बीच में 1 इंची का निशान लगा लेना है, इसे हमें गोलाई में बना लेना है फ्रेंड्स। निशान लग चुका है फ्रेंड्स, इस तरह से कटिंग कर लेना है। कटिंग हो चुका है फ्रेंड्स। अब हम पीछे के साइड का देख रहे हैं कितना लंबाई है, उसी हिसाब से हम आगे की तरफ से निकाल लेंगे। इस तरह कपड़े को पहले कटिंग करके निकाल देंगे फ्रेंड्स, इस तरह से देख लीजिए, मेरा 1 इंची छोटा है। अब हम इसमें से 1 इंची, आधा इंची इस तरफ से, 1 इंची भी उस तरफ से कटिंग कर देंगे
इसमें से तीरा नहीं निकालेंगे फ्रेंड्स, कपड़ा छोटा है, अभी हम तीरा के लिए कपड़ा अलग से लिए हैं, आपको दिखाते हैं। इस तरह से देख लीजिए, कपड़े को दो फोल्ड में रख लेना है फ्रेंड्स, इस तरह कपड़े को कटिंग करके निकाल देना है। अब तीरा के लिए हम कपड़ा ले लिए हैं फ्रेंड्स, 4.5 इंच पे निशान लगा लेना है, इस तरफ लगा लेना है 3 इंच पे निशान, आगे की तरफ से 4 इंच, 4.5 इंच पे, पीछे की तरफ से 3 इंच पे फ्रेंड्स। अब इसे हमें मिला लेना है, निशान को लग चुका है फ्रेंड्स, इसे कटिंग कर लेना है, इस तरह कपड़े को कटिंग करके निकाल देना है फ्रेंड्स। इस तरह से दोनों को बराबर करते हुए कटिंग कर लेना है सेट करके, कटिंग हो चुका है फ्रेंड्स, देख लीजिए आप, आगे का कटिंग हो चुका है। तब इसमें हम डार्ट मारने के लिए आपको निशान लगा रहे हैं फ्रेंड्स, बता रहे हैं आपको लगाने के लिए, इस तरह से 2.5 इंच पे निशान लगा के, इस तरह से निशान लगा लेना फ्रेंड्स, आगे की तरफ से 2.5 इंच पे निशान लगा लेना है, उसके बाद 2.5 इंच पे फिर से निशान लगा के इस तरह से निशान को मिला लेना है फ्रेंड्स, नीचे की तरफ इस तरफ का पीछे के साइज का 2.5 इंच पे निशान लगा के फ्रेंड्स 5 इंच पे निशान लगा लेना है, 5.5 इंच पे निशान लग चुका है फ्रेंड्स, इस तरफ से देख लीजिए आप, 4 इंच पे निशान लगा लेना है फ्रेंड्स, इस तरह से निशान लग चुका है। निशान को हम एक और निशान लगा के गाढ़ा कर लेंगे फ्रेंड्स अच्छी तरीके से, निशान लग चुका है फ्रेंड्स, दोनों तरफ हम इसी बराबर निशान लगा लेंगे, ये देख लीजिए तीरा को सेट कर लेंगे अच्छी तरीके से, आगे का साइड हो चुका है फ्रेंड्स कंप्लीट, ये पीछे का हो गया, ये बाजू हो गया।